नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार में 1,70,000 से ज़्यादा पोस्ट के लिए टीचर का बहाली होना है। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 15 जून से 12 जुलाई के बीच भरे जाएंगे। इस बीच BPSC के द्वारा स्टूडेंट को एक ऑप्शन दिया गया कि आप चाहें तो 10 जून से लेकर 13 जून के बीच डेमो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट होगा, उस फॉर्मेट में आप पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन भर सकते हैं। ये ठीक उसी तरह से है फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किन्हीं को मैच खेलने जाना होता है तो पहले वो प्रैक्टिस मैच खेलते हैं, उसके बाद फाइनल मैच की ओर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में देखते हैं कि हम किस तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो एक्चुअल में भरा जाएगा, उसके लिए जो डेमो इस समय चल रहा है उसे भरेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको BPSC का ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेना है। तो ये देखिए, हमने ऑफिशियल वेबसाइट BPSC का खोल लिया है, bpsc.bih.nic.in। इसके बाद आपको लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन का, तो आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको राइट साइड में मिलेगा ऑप्शन BPSC ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया टैब ओपन होगा। नाउ जैसे ही नया टैब ओपन होता है फ्रेंड्स, तो इसमें एक ऑप्शन आपको मिलता है एडवर्टीजमेंट नंबर के नीचे, डेमो नेम ऑफ एग्जामिनेशन, डेमो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन बीटा वर्जन। डेट दिया हुआ है 10 से लेकर 13 जून के बीच। ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, इसलिए आपको ये डेट दिख रहा है। जैसे ही 15 तारीख से ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा जाएगा, आपको एडवर्टीजमेंट नंबर में डेमो नहीं देखने को मिलेगा, डेमो वर्ड सब जगह से गायब हुआ है। इसके राइट साइड में देखिए लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, आपको फिर से नया टैब ओपन होता है और एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट नंबर डेमो, नेम ऑफ एग्जामिनेशन डेमो, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम। डेमो इसलिए लिख दिया गया क्योंकि यह डेमोन्स्ट्रेशन है, सिर्फ टेस्टिंग के लिए है। यानी आप एक दो बार चार बार भर के देख लीजिए, इससे आपको ये पता चले कि किस तरह से भरना है। ये उन स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन काफ़ी कम फिल किए हैं, तो उनको क्या होगा कि वो सही से जान पाएंगे कि किस तरह से हमको फॉर्म भरना है, जिससे जब वो एक्चुअल फॉर्म भरें तो किसी तरह की कोई गलती ना हो। इसमें आपको कुछ फील्ड्स देख लीजिए, कैंडिडेट का फर्स्ट नाम, मिडिल नाम, लास्ट नेम। फर्स्ट नेम जैसे किन्हीं का नाम है राजकुमार वर्मा, तो फर्स्ट नेम हो गया राज, मिडिल नेम कुमार और लास्ट नेम वर्मा। सिमिलरली फादर नेम लिखना है, हस्बैंड नेम जो मैरिड वीमेन है उनके लिए, मदर्स नेम। आईडी टाइप में आपको आधार, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस देना है। आधार नंबर आपको देना है, आधार का PDF आपको अपलोड करना होगा। सिटीजन हैं आप भारत के, यस और नो करना है, तो आप जानते हैं कि इस फॉर्म के लिए एलिजिबल वही हैं जो भारत के सिटीजन हैं। क्या परमानेंट बिहार के परमानेंट रेसिडेंट हैं, यस नो करना है। आप ये भी जानते हैं कि टीचर की वैकेंसी में केवल वही भाग ले सकते हैं जो बिहार के परमानेंट रेसिडेंट हैं, बिहार के बाहर के लोग इस वैकेंसी को नहीं भर सकते। नेक्स्ट है डू यू बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो यस और नो भरना है। रिजर्व कैटेगरी में है तो जिस कैटेगरी में है EWS, SC, ST, EBC, BC, इस पर आपको टिक करना है। सिमिलरली मैरिटल स्टेटस, जेंडर, आप फ्रीडम फाइटर के ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर हैं या नहीं, ये सब भरना है। PWB यानी फिजिकल डिजेबिलिटी कोई है, पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी अगर है तो वो भरना है, किस तरह का डिजेबिलिटी है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो उसकी जानकारी देनी है। इसी तरह से आपको बताना है कि आप कहीं पहले से कार्यरत शिक्षक तो नहीं है, यानी आप किसी पंचायत में या नगर निकाय में अगर शिक्षक हैं तो वो भरना है। हैं तो आपका डिसिग्नेशन क्या है, किस स्कूल में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा उन्होंने पास किया है या नहीं किया है, इन सब का जानकारी देना है। इसके अलावा आप BEd हैं तो किसके लिए भर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस का क्या है, संगीत के अभ्यर्थी हैं या नहीं, ये पूरा जानकारी। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी पत्राचार का पता भरना है। दूसरा परमानेंट एड्रेस, जो आपका स्थायी निवास है उसका एड्रेस भरना है। इसके बाद आपको एक ईमेल आईडी देने होंगे, ईमेल आईडी पे फिर OTP आएगा, उसको उसमें भर के कन्फर्म करना है।
मोबाइल नंबर का ओटीपी देके कंफर्म। इतना करने के बाद आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, आपको एक न्यू टैब खुलेगा जिसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, यूजर नेम, ये तीन चीज़ दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम और पासवर्ड का यूज करके आप फिर से लॉग इन करेंगे।